हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो एक टॉपिक पे है, तो वो टॉपिक है हाउ टू व्लॉग। ये उन लोगों के लिए है जो व्लॉग करना चाह रहे हैं लेकिन वो व्लॉग कर नहीं पा रहे, तो उन्हें मालूम नहीं है कि व्लॉगिंग करते कैसे हैं। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। आपके ख्याल में व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या एक अच्छा कैमरा आना चाहिए? क्या बोलना आना चाहिए? तो क्या अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए? क्या होना चाहिए कि व्लॉगिंग हम कर सके? फर्स्ट इजी वे, आजकल के दौर में हर घर हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, तो बस आपको सिर्फ यही चाहिए। आपको बोलना नहीं भी आता कोई मसला नहीं, आपके मोबाइल का रिजल्ट अच्छा नहीं है कोई मसला नहीं, आप फिर भी व्लॉग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल उठाना है, कैमरा ऑन करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो कैसे? लो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप इसमें वीडियोस देख रहे हैं, आप इसमें क्या देखेंगे? आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल व्लॉगिंग नजर आएगी, आपको यहाँ पे हर वो चीज नजर आएगी जो मेरी लाइफ में हो रही है। तो ये है व्लॉगिंग। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मुझे बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो जाके देख सकते हैं। तो अब भी मुझे थोड़ी सी मसला है बोलने में, लेकिन जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें बहुत ज्यादा मसला था। तो मैंने कई ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जिन्हें बोलना भी नहीं आता था, तो आज वो फेमस यूट्यूबर्स हैं। जैसा कि मैं एक देखता हूँ जेएस फिल्म्स, आपने जैनुलाब्दीन को तो देखा होगा, वो उसका भाई मुबशर सदीक, और तो ऐसे मसाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल में पाकिस्तान में जो कि आप देख के मोटिवेट हो सकते हैं। तो आप भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि आपने बोलना क्या है, आपने दिखाना क्या है, आपने जस्ट कैमरा उठाना है और बोलना शुरू करना है। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग जाके देख सकते हैं कि मैंने वो कैसा रिकॉर्ड किया है। तो वो इसी तरह था कि मैंने कैमरा उठाया और मैंने सोचा कि मैंने आज व्लॉग रिकॉर्ड करना है और करना है, तो मैंने कैमरा उठाया है तो व्लॉग रिकॉर्ड किया। तकरीबन 2 मिनट का व्लॉग था, सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह डाल डूल के, तो वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आप जाके देख सकते हैं। व्लॉगिंग में एक और चीज होती है बीरोल, आपने अपने व्लॉग में कोई छोटे मोटे से बीरोल लाजमी लाने हैं, उससे व्लॉग में थोड़ी सी खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बीरोल होते क्या है। व्लॉगिंग करते हो एक गलती ये भी नहीं करनी कि आपने कैमरा आपके सामने है तो आप इधर देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं और आप इधर देख रहे हैं, आपने ऑडियंस से बात करनी है इधर या इधर देख के बात नहीं करनी। आपका आप ऑडियंस को बता रहे हो अपनी जिंदगी के बारे में और आपने ऑडियंस से ही बात करनी है। आपने एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने एक्साइटमेंट में आके अपने व्लॉगिंग चैनल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं है कि जैसा कि आपने व्यूअर्स खरीदने हैं या आपने कोई अच्छा कैमरा खरीद लिया या अच्छा माइक वगैरह खरीद लिया, ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो सस्ते सस्ते चीजें हैं जैसा कि आपके पास मोबाइल तो है वो आपने अपने पास रख लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगाई हुई है और ये तकरीबन 300 की रिंग लाइट है और रोशनी भी काफी अच्छी दे रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह की कर सकते हैं। तो एक ट्राइपॉड स्टैंड है वो सस्ता सा ले लेना, 300 का आ जाता है तो वो ले लेना। एक सेल्फी स्टिक, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। तो इस तरह की आपने छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और आपने सब्सक्राइबर्स नहीं खरीदने, जो कि मेरा मानना है। ब्लॉगिंग में बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं जैसे कि मोटो ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, ऐसी बहुत सारी ब्लॉगिंग आ जाते हैं। जिम में जाके ब्लॉगिंग हो सकती है, मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है आप वो करें वो ब्लॉगिंग है। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको सबसे पहले एडिटिंग सीखनी होगी, कोई भी छोटा सा आप सॉफ्टवेयर ले लें जो कि मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो सके। अगर मोबाइल पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे एडिटिंग करना चाहते हैं मतलब यहाँ लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो फिल्मोरा और ये सबसे आसान है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो प्रीमियर प्रो वो भी अच्छा है। फाइनल कट है वो मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बताते खुद प्रीमियर प्रो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा वो वीडियो वगैरह एडजस्ट करने के लिए और उनमें अगर आपने सिनेमैटिक्स लिए हैं तो उनके साउंड्स वगैरह डालने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम आना चाहिए। पास एक बंद कमरा है और आप उसके अंदर व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप अपने कमरे के अंदर देखें कि आपके कमरे के अंदर कितने एंगल हैं। मेरे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक मेरे पास ये एंगल है। तो मुख्तलिफ एंगल से आप रिकॉर्डिंग करें ताकि आपके व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। अभी तक मेरे चैनल पे कोई इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपने वीडियोस लगातार डालनी है। कोशिश आपने यही करनी है कि आपने डेली वीडियोस डालनी है, कुछ ज्यादा लंबी वीडियोस ना डालें। शॉर्ट्स वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा है, आप वो डाल सकते हैं। आप 3-4 मिनट की वीडियो है वो डाल सकते हैं। आपने जो डेली वीडियोस डालनी है, जो भी आपने बनाया वो आपने डेली डालने की कोशिश करनी है। अगर आप पब्लिक में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सामने कोई खड़ा होकर
घूर रहा है तो आप नर्वस हो रहे हैं, तो उसका एक हल मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने ये जो एंगल है अपना, अपने एंगल चेंज कर लेना है और उस बंदे को अपने ब्लॉग में ले आना। जैसे ही आप उसे अपने ब्लॉग में लेके आएंगे तो वो खुद ही नजरें इधर उधर कर लेगा या भाग जाएगा, वो यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। असल में आवाम कैमरे को ऐसे देख रही है कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। आपने ये बात जहन से निकाल देनी है और आपने अपने कैमरे पे फोकस रखना है और आपने ब्लॉग करना है और आप जो बताना चाह रहे हैं तो आपने वो बताना है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को पब्लिक के सामने रखेंगे तो आपके ब्लॉग उतने ही ज्यादा हिट होंगे। अगर आपका आज की वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि क्या वाकई ये आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।